इसी सवाल का हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है 2x² - x + 1/8 = 0। ये बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ये चूंकि बटे में हो सकता है आप कहें कि बहुत कठिन सवाल है, तो देख लीजिए इसको कैसे लगाते हैं। तो 8 से इन सबको गुणा कर देते हैं, जिसके नीचे 8 है सिर्फ उसे छोड़ देते हैं, बाकी सबको 8 से गुणा करना है। यानी कि इसके नीचे 8 नहीं है तो 8 × 2 = 16 x² - इसके नीचे 8 नहीं है तो 8 × 1 = 8x और प्लस इसके नीचे 8 है तो ऐसे रहेगा बराबर 0। बस हो गया सवाल। अब हमने बताया था नियम होता है इसकी इसकी गुणा होती है, तो 16 × 1 = 16 यानी कि इसकी इसकी। हमने आपको नियम बताया है कि इन दोनों की आपस में गुणा होती है, तो 16 × 1 = 16 हो गया। अब हमको बीच में लाना है 8। अब 16 कैसे आएगा और 8 आना चाहिए, तो 4 × 16 और 4 और 4 को अगर आप जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा निष्कर्ष निकला इससे, x² - x का मान ले लिया, 4 + 4 = 1 + 1 = 0 और ये ऐसे ही लिखा रहेगा, मतलब बिल्कुल सरल होगा। 4x + 4x और प्लस का 1 = 0। बहुत सरल सवाल, इसमें 1x मिलेगा, इसमें भी x है और 4 से 16 कट जाता है। जो संख्या किसी से कट जाए तो वो संख्या कॉमन मिल जाती है, तो 4 से 16 कट जाए तो 4 कॉमन हो गया और x दोनों, तो x मिल गया। तो 4 से 16 काटेंगे, 4 × 16 चार बार में, 2x थे, 1x चला गया तो 1x बचा, माइनस का ये पूरी 4x कॉमन ही आ गई, तो यहाँ 1 बचा। तो जहाँ कुछ ना बचे वहाँ 1 बचता है, ये कॉमन लेने में है, बाकी नहीं, जहाँ कुछ ना बचा 0 बचता है वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे कॉमन लिया जाता है वहाँ पे कुछ ना बचे तो 1 बचता है। माइनस इन दोनों में कुछ नहीं मिलता है, और बस यही नियम है इसका उल्टा, कि जहाँ पे कोई भी चीज़ संख्या कॉमन ना मिले वहाँ पे 1 कॉमन मिलता है, अगर कॉमन लेना अनिवार्य हो, और यहाँ पे कॉमन लेना अनिवार्य है यानी कि आवश्यक है। तो चूंकि माइनस लिया तो माइनस इंसान आगे पीछे बदल जाते हैं, तो ये माइनस था ये प्लस का हो जाएगा 4x, और यह प्लस का माइनस का 1 का 1 रहेगा बराबर 0। अब ये दोनों संख्याएं देखिए और चिन्ह एक ही बराबर है, यानी कि हमारा इतना समय सवाल सही है। अब इसको हमने ले लिया कॉमन, तो 4x - 1 और 4x - 1 = 0, दोनों एक से आए लेकिन कोई बात नहीं, दो बार लिखना पड़ेगा। तो 4x - 1 = 0 एक बार और 4x - 1 = 0 दूसरी बार। अब 4x = 1 माइनस का इधर आएगा प्लस का, 4x = 1 माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो x = 1/4 ये वाले बटे चले गए और x = 1/4 ये वाले 4 बटे में चले गए। अब अतः x = 1/4 और 1/4, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अतः 2 घात समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 हैं। हम इस तरीके से प्रत्येक सवाल के लास्ट में देख सकते हैं। अब ये देखिए हमारा पांचवा सवाल है, जो बिल्कुल इस सवाल की तरह है। यहाँ पर से देखिएगा, 100 और 1 की गुणा होगी तो 100 × 1 = 100, यहाँ बीच में 20 है तो 100 किसके पहाड़े में आएगा, 10.5 100, 10 और 10 20 हो जाते हैं, बिल्कुल सेम तरीका हो जाएगा। यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 10 + 10 होंगे, यहाँ पे प्लस में बनी रहेगा, यहाँ पे 100 होंगे, यहाँ पे -10, यहाँ पे -10 प्लस में 100, यानी आखिर -1/10 - 1/10 आएंगे। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट पूछ सकते हैं, वरना हमारी एक वेबसाइट है www.rkmsb.com, इस पे बहुत सारे गणित सवाल लगे हुए हैं, आप वहाँ से भी इन प्रश्नों के या अन्य बहुत से प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।